Hi Taurus and welcome to Floral Tarot Reader. How you guys are doing, Taurus? Taurus, thank you so much. जिससे भी मेरा चैनल सब्सक्राइब किया, इट रियली रियली मीन्स अ लॉट. टॉरस में पर्सनल रीडिंग्स भी ऑफर करती हूँ, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लो, कमेंट सेक्शन चेक कर लो. वेरी मिनिमम फीस. ये वीडियो दो पार्ट में डिवाइडेड है, जनरल रीडिंग एंड लव लाइफ रीडिंग. टाइम स्टैम्प नीचे मेंशन है. लेट्स चेक. टॉरस, आपका दिसंबर मंथ कैसा रहता है? ओके, ओशो डेक से पहले चेक करते हैं. यू गॉट द ट्यूनिंग इन कार्ड. मेडिटेशन प्रैक्टिस करने की बहुत ज़रूरत है आपको, अपनी नीड्स आइडेंटिफाई करने की ज़रूरत है. कुछ मुझे ऐसा लग रहा है, बहुत मेंटली बहुत डिस्टर्ब हो रहे हो, परेशान हो रहे हो लोगों की नेगेटिव एनर्जी से, नेगेटिव वाइब से. तो कोशिश करो, मेडिटेशन करो, अपने आप को कुछ टाइम दो. 10 से 20 times डीप ब्रीदिंग करो सोने से पहले, आपको काफ़ी हेल्प होगा. ठीक है, और मुझे ऐसा लग रहा है नेगेटिव लोगों की एनर्जी आपको काफ़ी डिस्टर्ब कर रही है, तो कंट्रोल में लाने की ज़रूरत है आपको अपने इमोशंस. एंड मेडिटेशन से बेटर और कोई प्रैक्टिस नहीं होती. टॉरस, लेट्स चेक एनिमल डेक से आपके लिए क्या मैसेज आता है. ओके, सबसे क्यूटेस्ट डेक ऑफ ऑल द एनिमल डेक. लेट्स चेक, यू गॉट द स्टारफिश कार्ड. इन दोनों कार्ड्स इतने ब्यूटीफुली अलाइन हो रहे हैं, पता हूँ स्टारफिश का इसका साफ साफ मतलब ये है कि आपको ना हीलिंग करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है आपको. टॉरस, यू नीड टू हील. सी, दोनों का जो कलर पैलेट है वो ब्लू है. ब्लू रिप्रेजेंट्स इमोशन, ब्लू रिप्रेजेंट्स हीलिंग. तो स्टारफिश में देखो, आपको ना थोड़ा पर्सनल केयर करने की ज़रूरत है. थोड़ा मेडिटेशन तो आपको प्रैक्टिस करनी है इन द मंथ ऑफ दिसंबर. सेकेंडली, मुझे लग रहा है आपका एक ऑरा बहुत ना पॉजिटिव हो रहा है, डेवलप हो रहा है, और एक हीलिंग, देयर इज दिस हीलिंग एनर्जी. आपको बहुत हील होने की ज़रूरत है. मुझे लग रहा है पास में कुछ लोगों ने आपको इतना ट्रबल किया, या कुछ सिचुएशन लाइफ में ऐसी हुई है जिस वजह से आप बहुत डिस्टर्ब हो गए हो. थोड़ा ना आपको हीलिंग करने की ज़रूरत है. आप रॉक सॉल्ट अपने बाथ वाटर में डालो, नहाने वाले पानी में डालो, उससे नहाओ, और मेडिटेशन प्रैक्टिस करो, धूप बत्ती जलाओ अपने रूम में, एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट क्रिएट करो. उससे आपको ना काफ़ी हेल्प होने वाली इन द मंथ ऑफ दिसंबर. ओके, लेट्स चेक टैरो से आपके लिए क्या मैसेज आता है. एंजल्स, हाई बींग्स, एंसेस्टर्स, मैसेज फॉर टॉरस इन द मंथ ऑफ दिसंबर. ओके, लेट्स कट द डेक. जस्टिस, ग्रेट, वन सेकेंड ऊपर कर लेते हैं. ओके, जस्टिस, हायरोफेंट, वाओ, टॉरस का ही कार्ड आ गया, एंड फोर ऑफ पेंटिकल्स. मेजर काना कार्ड्स हैं, बॉटम ऑफ द डेक स्ट्रेंथ है, ग्रेट एनर्जी. जस्टिस का कार्ड है जिसका भी कुछ लीगल इश्यूज, लीगल पंगे चल रहे हैं, केस आपके फेवर में आप लोग विन करोगे. एंड जस्टिस का मतलब ये बैलेंस लाने की ज़रूरत है बहुत ज़्यादा. ये दो कार्ड्स यही ला रहे, बैलेंस लाना है आपको दिसंबर मंथ में. बैलेंस नहीं लाओगे ना तो आपकी एनर्जी डिप्लीट होगी और आप अपने लाइफ गोल्स में, अपने लाइफ में फोकस नहीं कर पाओगे. तो जितना मुझे दिख रहा है, वर्क लाइफ में आप बहुत अच्छा करने वाले टॉरस, वर्क लाइफ बहुत अच्छी होने वाली है. बैलेंस आप लेके आओगे दिसंबर मंथ में, और जिनके भी लीगल इश्यूज चल रहे हैं, लीगल बैटल्स चल रहे हैं, आप लोग के दिसंबर मंथ में वो लीगल इश्यूज खत्म होने वाले हैं और आपके ही फेवर में आप केस जीतोगे. हायरोफेंट का कार्ड है, व्हिच इज द टॉरस एनर्जी, ग्रेट एनर्जी. यही ट्यूनिंग इन विद हायरोफेंट. आप लोग स्पिरिचुअल बन रहे हो टॉरस, जो जो मेरा वीडियो देख रहा है, आप लोग स्पिरिचुअलिटी की तरफ जा रहे हो. सेकेंडली, बहुत लोग की रिश्ते तय होने वाले हैं दिसंबर मंथ में. बहुत ज़ोडियाक साइंस की इस बार बहुत लोगों के रिश्ते तय होने वाले. आई थिंक इट्स द शादी सीजन, इट्स द वेडिंग सीजन, मे बी बिकॉज ऑफ दैट. तो आप लोग का शादी रिश्ता तय होने वाला है. इट लुक्स लाइक एन अरेंज मैरिज. एंड अगर आप, मुझे ऐसा लग रहा है आप लोग, आपको अपने टीचर्स की ब्लेसिंग्स लेने की बहुत ज़रूरत है. अगर आप किसी टीचर से टच में हो फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, उन्हें एक ग्रैटिट्यूड वाला मैसेज भेजो, उनकी ब्लेसिंग्स लो, ताकि आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ो. तो गुरु का आशीर्वाद लेने की आपको बहुत ज़रूरत है दिसंबर मंथ में. ग्रेट एनर्जी. फोर ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है. थोड़ा आपको सेविंग्स करने की ज़रूरत है. अब मुझे लग रहा है दिसंबर मंथ में आप लोग काफ़ी सेविंग्स करोगे, काफ़ी इन्वेस्टमेंट्स करोगे. सेकेंडली, पोजेसिव नहीं बनना है टॉरस. आप लोग बहुत पोजेसिव हो, आई नो दिस, यू आर वेरी पोजेसिव अबाउट रिलेशनशिप, अबाउट फ्रेंडशिप, बट गिव योर सेल्फ द स्पेस, गिव द अदर पर्सन द स्पेस. दिस इज अ मैसेज फॉर यू.
सो ओवरऑल दिसंबर मंथ में आप लोग स्पिरिचुअल बन रहे हो, बहुत लोग की शादी तय होने वाली है, वर्क लाइफ आपकी अच्छी रहने वाली. ओवरऑल दिसंबर मंथ विद द स्ट्रेंथ कार्ड इन द बॉटम, इट्स अ हीलिंग का मंथ. बहुत हील हो रहे हो और ना आपको हर काम ना बहुत स्लोली स्लोली करना है, कोई जल्दबाजी नहीं है, आराम आराम से सारे काम करो. दिसंबर मंथ आपके लिए बहुत अच्छा होने वाला है. दिस वॉज योर जनरल रीडिंग, लेट्स चेक योर लव लाइफ रीडिंग फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स. हाई टॉरस एंड वेलकम टू योर लव लाइफ रीडिंग. अगर आप किसी इंसान को लाइक करते लव करते हो, उस इंसान को अपने माइंड में रखो, ये रीडिंग देखना स्टार्ट कर दो. मैं पर्सनल रीडिंग्स भी ऑफर करती हूँ व्हाट्सएप पे और डिस्क्रिप्शन बॉक्स, आप चेक कर लो. ओके लेट्स चेक. सून, ग्रेट. मेडिटेशन, फिर से मेडिटेशन का कार्ड आ गया आपका. ये लो सोल कॉन्ट्रैक्ट्स. ओ टॉरस, लिव इन द मोमेंट. टॉरस, किसी एक्स का, किसी पर्सन का जिसका आप इंतज़ार कर रहे हो, वो आपको मैसेज कॉल ज़रूर करेगा इन द मंथ ऑफ दिसंबर. मेडिटेशन प्रैक्टिस करो. सेम कार्ड फिर से आ गया. टैरो गिव्स द सेम मैसेज. सोल कॉन्ट्रैक्ट का कार्ड है. मे बी यू गाइज आर कमिंग इन टू अ रिलेशनशिप और अ मैरिज. जनरल रीडिंग में भी मैंने यही बोला था कि बहुत लोगों की शादी होने वाली है टॉरस की. ओके लेट्स चेक टैरो से क्या मैसेज आता है. एंजल्स, हायरिंग्स, एंसेस्टर्स, लव लाइफ फॉर टॉरस इन द मंथ ऑफ दिसंबर. Okay, let's cut the deck. 10 of cups. Wow. Again a marriage card. 4 of wands. Marriage ka card. Fir se. Judgment. Oh, great. Wow. Oh, wow, wow, wow. Wow. Are baap re. Oh, God. Taurus. I think ye video bahut chota hone wala hai. Marriage. 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 3 कार्ड्स मैरिज के हैं भाई साहब. ये क्या हो रहा है टॉरस? इतनी ब्यूटीफुल, इट्स जस्ट मैरिज. आप तो प्यार में हो, आपको तो शादी करनी है. शॉर्ट, आपके पर्सन को शादी करनी है, रिलेशनशिप में आना है. प्यार भर भर के है, प्यार है. जजमेंट की एनर्जी है. यू गाइज आर वेटिंग फॉर द मोमेंट कि आप लोग कब एक दूसरे के साथ में होगे. आप लोग की जो ये एनर्जी है, आप लोग, मुझे लग रहा है आप लोग स्ट्रांगली रिलेशनशिप में हो. आप लोग के यहाँ शादी की बात चल रही है. ग्रेट टॉरस, आप लोग बस इंतज़ार कर रहे हो कि कब, किस दिन हम साथ होंगे, किस दिन हम अपना अपनी फैमिली स्टार्ट करेंगे. जजमेंट का कार्ड है, विच मीन्स दैट आर्क एंजल माइकल इज प्रोटेक्टिंग दिस रिलेशनशिप. भगवान यूनिवर्स आपका रिलेशनशिप प्रोटेक्ट कर रहा है. भगवान यूनिवर्स चाहता है कि आप लोग साथ में रहो. दिस कनेक्शन इज प्रोटेक्टेड बाय द डिवाइन. इतने ब्यूटिफुल कार्ड्स मेरी रीडिंग में, इतने ब्यूटिफुल कार्ड्स आते नहीं है. आप लोग को पता है मैं डांटती रहती हूँ. यार मतलब एडवाइस, 2 of cups, प्यार करो यार, प्यार प्यार प्यार, जस्ट लव देम. द वर्ल्ड का कार्ड है, अगेन द मैरिज कार्ड. न्यू बिगनिंग्स, न्यू साइकिल्स. मुझे जितना लग रहा है आप लोग शायद दूसरे सिटी में जाओगे और अपनी फैमिली स्टार्ट करोगे. ओ गॉड, आई होप यू नो वॉट. आप लोग को जो लोग रिलेशनशिप पे, कॉमेंट डाउन बिलो. यू हैव टू क्लेम दिस रीडिंग. कॉमेंट करो, क्लेम करो ये रीडिंग कि आप लोग अपने पर्सन से, आपकी शादी हो दिसंबर मंथ में, आप लोग की शादी हो रही है. ये रिलेशनशिप शादी में जा रहा है. दिस रिलेशनशिप इज कन्वर्टिंग इन टू मैरिज एंड दिस रिलेशनशिप इज फुल ऑफ लव, केयर एंड मतलब एक होता है ना, जस्ट लव. Just love, love, love. There is no expectations. आपका partner आपसे कुछ expectations नहीं रखता. आप अपने partner से कुछ expectations नहीं रखते हो. But आप लोग एक दूसरे से बे इंतहा मोहब्बत करते हो. बहुत सुंदर एनर्जी है. क्लेम करनी पड़ेगी रीडिंग. और मुझे जितना लग रहा है, जो लोग नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में, येस, जो लोग नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है, आपका एक्स आपको दिसंबर मंथ में आपसे बात करेगा और आप लोगों का रिकन्सिलिएशन होगा. ये बहुत स्ट्रांग दिख रहा है. जो लोग नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में, आपका पर्सन आपको कॉन्टैक्ट करेगा और आप लोग रिलेशनशिप में वापस आ रहे हो. मेडिटेशन करनी है और मैनिफेस्टेशन भी प्रैक्टिस करनी है टॉरस. दिस वॉज योर रीडिंग एंड आई होप यू लाइक योर रीडिंग. क्लेम डाउन बिलो. यू हैव टू क्लेम दिस रीडिंग. ये रीडिंग तो क्लेम करनी है. इफ़ यू लाइक माई रीडिंग सो प्लीज़ लाइक, कॉमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू फ्लोरल टैरो रीडर. बाय बाय.